हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक शर्मा, वेलकम्स यू इन द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ अभी की बायोलॉजी, इन विच वी लर्न अबाउट की स्टोन स्पीशीज। सो की स्टोन स्पीशीज इज अ स्पीशीज विच हैज अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस। की स्टोन स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज है जिसका बहुत ही लार्ज इम्पैक्ट और इफेक्ट है हमारी इन्वायरमेंट पर, हमारी नेचर पर। स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जितने भी कीस्टोन स्पीसीज है या जितने भी ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज है जो कि कीस्टोन स्पीसीज के अंडर में आते हैं, उनका एक क्रिटिकल और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल है नेचर के स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट या नेचर के इकोलॉजी के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। कहीं भी किसी भी तरह से एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज का हेल्प करता है या स्पीशीज को हार्म करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका इफेक्ट नेचर पर होता है। हम प्रीडेटर्स की बात करें, हम फूड चेन में भी देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जितना भी जो ऑर्गेनिजम्स का नेचर है वो नेचुरल इम्पैक्ट है, वो एक नेचुरल स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट देने में सहयोग करता है। अफेक्टिंग मैनी अदर ऑर्गेनिज्म इन एन इको सिस्टम एंड हेल्पिंग टू डिटरमाइन द टाइप एंड नंबर वेरियस द अदर स्पीसीज इन द कम्युनिटी। सो क्या अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो हार्म कर रहा है किसी स्पीसीज को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी को हार्म कर रहा है या फिर हेल्पफुल या बेनिफिशियल है किसी स्पीसीज के लिए। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो 1969 में एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट टी पेन, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था की स्टोन स्पीशीज को। हम अगर हिंदी मीनिंग निकाले की स्टोन स्पीशीज का, तो की यानी चाबी और स्टोन यानी पत्थर होता है, बाकी नहीं। यहाँ से डेफिनेशन में और हिंदी मीनिंग में इसका कहीं से कहीं तक तात्पर्य या फिर रिलेशनशिप नहीं है। तो कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं की स्टोन स्पीसीज के, जैसे बिसोन, प्रेरियर डॉग और ऑटर, ठीक है। और एट लास्ट जो मेन पॉइंट है की स्टोन स्पीसीज का, वो है कि क्रिटिकल रोल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। अब हम एक एग्जांपल को उठाते हैं, जैसे हम एग्जांपल उठा लेते हैं सी ऑटर का, और उसको अब हम देखते हैं पेन पेपर पर, समझते हैं कि किस तरह से सी ऑटर हेल्पफुल है, किस तरह से कीस्टोन स्पीशीज है सी ऑटर, और किसको किसको हेल्प करता है और किस तरह से हेल्प करता है। तो आइए पेन पेपर पर हम समझते हैं कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज को उठाकर ले आए हैं पेन पेपर पर। सबसे पहले मैं सी ऑटर को लिख रहा हूँ क्योंकि ये मुख्य एग्जांपल है, उसको मैंने दे दिया ए, कैल्प को मैंने दे दिया बी, सी अर्चिन को मैंने दे दिया सी, और होम जैसे होम स्पीशीज मतलब वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट और फिशेज को दे दिया मैंने डी। अब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द सी ऑटर एंड अदर कीस्टोन स्पीशीज, कौन हॉर्न करेगा, कौन किसको बेनिफिशियल है, किसके लिए, बात करते हैं। तो आपकी नज़र है कैल्प पर, मेरी नज़र भी है कैल्प पर, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कैल्प को। सर सी ऑर्डर पर नज़र होनी चाहिए, अरे सी ऑर्डर पर भी होगी, पहले कैल्प को पढ़ते हैं भैया। कैल्प ना कैल्प फॉरेस्ट डेवलप करता है। भाई सर कैसे डेवलप करता है, अरे कैल्प ना एक स्पीसीज है, सिंगल स्पीसीज है, वो बहुत सारे ग्रोथ करेगी एक इस तरह से, एक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, और एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी और बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट डेवलप कर लेगी खुद का। कैल्प क्या करेगा, वो फिर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगा किसके लिए, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस और अदर वाटर बॉडीज के लिए। कौन, कैल्प फॉरेस्ट। सर कैसे, अरे जैसे हम हमारे होम घर को हमारी प्रोटेक्टिव लेयर मानते हैं, वैसे ही जितने भी वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कैल्प फॉरेस्ट को प्रोटेक्टिव लेयर, उसके अंदर जाकर छुपते हैं, उसमें जो गैप हो रही थी वहाँ जाकर छुपते हैं, जिससे वो प्रिडेटर से बच सके। अब सर सीआरचिन को सी दे दिया है, उसकी भी बात कर लो, ठीक है बात करते हैं। तो सीआरचिन ना क्या करता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सीआरचिन एंड कैल्प, जो सीआरचिन है ना वो खाता है कैल्प को। अब सीआरचिन कैल्प को खाएगा, कैल्प बचा ही नहीं तो फॉरेस्ट क्या बनेगा, फॉरेस्ट नहीं बचेगा तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं फिशेज हैं या जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो हो गई है होमलेस, तो उसको ईजिली जो भी प्रीडेटर है वो उसको किल कर देगा या उनकी डेथ हो जाएगी इजीली। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन है सी और डी, मतलब सीआरचिन और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, कि वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रेट्स और इनको सीआरचिन को। सर सी ऑटर की बात करो, आपने एग्जांपल में सी ऑटर बताया था, ठीक है अब सी ऑटर पे आ जाते हैं। तो सी ऑटर और सीआरचिन का सबसे पहले रिलेशनशिप बताता हूँ कि
सियार्चिन को कौन खाता है? सी ओटर खाता है। अब जब सी ओटर सियार्चिन को खा लेगा तो नंबर ऑफ सियार्चिन कम हो जाएंगे, जिससे वो केल्प को नहीं खा पाएंगे, केल्प को नहीं खा पाएंगे, केल्प को कम हम होगा तो वो क्या डेवलप कर लेगा? अपना केल्प फॉरेस्ट डेवलप कर लेगा। और जैसे ही केल्प फॉरेस्ट डेवलप हुआ तो बात वहीं आ गई कि केल्प फॉरेस्ट एक होम है किसके लिए? वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस के लिए, सी ओटर पर। तो सी ओटर का इनवर्टिब्रेट से क्या रिलेशनशिप है? तो सी ओटर ना, सी ओटर सियार्चिन को खाएगा, सियार्चिन केल्प को नहीं खा पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सियार्चिन कम हो जाएंगे। और ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को, क्योंकि इनको अभी भी होम है, इनके पास अभी भी घर है, ये होमलेस नहीं हुए हैं। बाकी अगर सी ओटर अगर सियार्चिन को ना खाए तो सियार्चिन केल्प को खा लेगा, केल्प फॉरेस्ट नहीं बना पाएगा और ये हो जाएंगे होमलेस। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीशीज रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, की स्टोन स्पीशीज में कौन किसको अफेक्ट कर रहा है, हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल। तो सी ओटर इसलिए ही हम एग्जांपल रहते हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल है इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और बॉडीज के लिए, बट सियार्चिन ना कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट करता है केल्प पर। तो हमने यही पेन पेपर पर हम यही समझने आए हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप ओकर होता है, किस तरह से नेचर अफेक्ट होता है। क्योंकि जैसे ही सी ओटर अगर सियार्चिन को नहीं खाएगा तो एट लास्ट ये सब होमलेस हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, वाटर बॉडीज की डेथ हो जाएगी और कहीं ना कहीं नेचर पर अफेक्ट आएगा। तो कीस्टोन स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचर के रिलेशंस में और स्पीशीज के रिलेशनशिप में और हर तरह के एनवायरमेंट के स्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ कीस्टोन स्पीशीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद, जय हिंद।